होशियारपुर के हलका चब्बेवाल के पिंड बेहाला विच आम आदमी पार्टी वालों केंद्र सरकार के किसान विरोध बिल के खिलाफ रोस रैली का आयोजन किया, जिस विच आम आदमी पार्टी के सूबा प्रधान ते लोकसभा मैंबर भगवंत मान ने विशेष तौर पर शिरकत की। पत्रकारां नाल गलबात करदिआं भगवंत मान ने कहा कि सूबे दीआं समूह पंचायतां नूं पिंड च ग्राम सभा इजलास बुला के खेती कानून रद्द करन दे मते पास करने चाहिए हन। उन्हां कहा कि आम आदमी पार्टी किसानां नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ी है। कैप्टन साहब दा जिहड़ा असली चेहरा सामने आ रहा हौली हौली टाइम पा के, एक पासे तो वह राहुल गांधी नूं बुला के विरोध कर रहे ने इन्हां बिलां दा, कहिंदे कूड़ेदान सुट दांगे जो सरकार बन गई, ते दूजे पासे विधानसभा का सैशन बुलाउण तों वह मुकर रहे ने। जदों दिन दिन ट्रैक्टर मार्च कढ़िया हजारां दी गिणती च लोग इकट्ठे कर ले, उदों तां कोई करोने दा कोई खतरा नहीं सी। 117 बंदिआं दी विधानसभा बुलाउण वेले कहिंदे करोना है। सो किते ना किते दाल च काला नज़र आ रहा साडे पार्टी दे। कल विधानसभा के मूहरे जाके धरना दिता, विधानसभा बुलाओ तो रद्द करो तुम, क्योंकि एग्रीकल्चर इज स्टेट सबजैक्ट, ये राज्यों का विषय है, कर सकते हो जो कोई भी स्टेट जी है कि असी इन बिलों साढ़े स्टेट पर माड़ा प्रभाव पैदा असं रद्द कर दें। सो क्यों नहीं करते, ये कैप्टन साहब न पता लग जूगा अगले दिन लोगों को। आप सारे रले हुए ने, दो महीने लिए किसी किधरे भेज देंगे, तू उधर जाया बाद च इन्हों का संघर्ष जो खत्म हो गया तेन फिर वापस ले लेंगे। आपस रिश्तेदारियां ने सब मिले हुए हैं, लोगों को हुण पता लग गया, अंदरों साइन करके आए ने, बाहर विरोध करी जाते हैं। सो हुण तां बीजेपी ने भी कहता भी किदे विरोध किया दसो, वो ये कहिंदी मैं इत्थे 5 जून नूं कैबिनेट च हरसिमरत कौर कहिंदी मैं विरोध किया, नहीं किया जी, जे विरोध किया हुंदा बाहर आके दस दे, जे विरोध किया हुंदा बाहर आके गुण क्यों गाई गए ने 2.5 महीने उस बिल दे। सो सब इक्को जे ने, तो बिल्ली हुण थैलियों बाहर आ गई, हुण लोगों को पता लग गया। इस करके लोग जो इन्हें जाते हैं कितने भी पैरल प्रोग्राम देंगे ने, कोई लोग जिहड़े ने धरने वाले किसान जिहड़े ने वो इन्हें काले झंडे जां जुत्तियां तक दिखाते हैं, इतों लोगों का गुस्सा जिहड़ा हुंदा जला। जिहड़े बिल का विरोध हो रहा लोग सड़कां ते ने, तो कल्ली बीजेपी तो नहीं इंटैलीजेंट ना, कि जो किसान जथेबंदियां बैठी ने उन्हें दिमाग नहीं है, वो एवें रौला पाई जाते, वो कोई फोटो खिचाउण बैठे है, फसल का टाइम है तो सड़क पर बैठे है, रेलवे ट्रैकों पर बैठे है, वो कोई उत्थे टीवी आपकी फोटो लियाउण वास्ते बैठे है, उन्होंने सामने नज़र आ रहा है ना कि साडा ये खो के सारा कुछ साडा कारोबार साडा किता खेती का वो कोऑपरेट घराने देने लगे ने। इदू पहला भी मोदी जी ने कई बिल इदा के लिया ने जिद पूंजीपतियों को फायदा होया, तेल बेचता जी, एयरपोर्ट बेचते, बैंकों बेचती, BSNL किधर गया, टावर उन्होंने ने चलता जियो है, ठीक है जी। इदू पहला इन्होंने इदा किया, करोड़ों रुपया माफ़ किया पूंजीपतियों का, ठीक है जी, लखा हज़ार करोड़ रुपया किसानों का नहीं किया। सो इस करके लोगों यकीन ही नहीं रहा इन्हों पर। सो ये बिल जिहड़े ने लोग विरोधी ने, कल्ले किसान विरोधी नहीं लोग विरोधी ने। अज बिहाला पिंड की पंचायत में खड़ी सारी पंचायत, मैं इन्हों इस गल मुबारकबाद दूंगा कि इन्हें पार्टी पद्धर तो उपर उठ के इन्होंने अज्ज ग्राम सभा च मता पाया, तो इस मते नूं कंसीडर करना पऊगा सुप्रीम कोर्ट तक। देखो जी, अस तां पोलीटिकल पार्टी है, असीं तां चाहुंदे हां कि धर्म जिहड़ा उहनूं धर्म दे गुणी ज्ञानी लोक चलाउण, राजनीति नूं राजनीति दे जिहड़े जाणदे ने गुण उहनूं उह चलाउण। इह की करदे आ, उल्टा कर दिंदे आ। बाल साहब ने कीता होया इह कि राजनीति वालों धर्म च वाड़ रखे, उत्थे देख लो हालात की होए ने। अज्ज श्रोमणी कमेटी के घपले सामने आ रहे हैं, और जिहड़ा श्रोमणी कमेटी का प्रधान है वह अकाली दल बादल की कोर कमेटी का मैंबर है, MLA भी रहा धूरी तो उतों। सो ये धर्म के नाते जिहड़े वोटां वाला काम है, इहदा असीं विरोध करते हैं, खंडन करते हैं, तो लोगों को भी बेनती करते हैं कि SGPC दी चोणां आउणगियां, चंगे गुणी ज्ञानी जिहड़े बंदे धर्म के नाते जाणदे ने, किताबां पढ़ी ने, उन्हां कोले ज्ञान है, उन्हां बंदिआं नूं चुण के गुरद्वारा साहिब जिहड़ी कमेटी है उन्हां दा उन्हां दे मैंबर बणाओ। ये असल च ना जदों किसी मुद्दे तो ध्यान भटकाउणा होवे उदों इस तरह दीआं गल्लां कर लैंदे आ, ताकि लोगों का ध्यान मेन मुद्दे तो भटक जाए, पर लोग जिहड़े ने वह इस वक्त इकट्ठे ने। संघर्ष जिहड़ा लोगों का संघर्ष बन चुके, चाहे कलाकार ने, चाहे कोई NGO है, चाहे कोई छोटे छोटे बच्चे भी देखे जाते हैं झंडे चुकी, कोई एक बंदे दे दोने बाहां है नहीं वो भी धरने च फिरदा सी। सो ये जिन्हें भी पंजाब के धरती के अनाज की एक बुरकी भी रोटी की खाधी है या पानी पीता है उन्हें इस इन्हों बिलों का विरोध करना चाहिए। पोलीटिकल पार्टी लड़ ही नहीं सकती जी धर्म धर्म चुना, ये तो बादल के ने इधरले पासे कानून हो रहा, उधरले पासे कानून हो रहा। नवजोत सिंह सिद्धू उस दिन आए, उस तो बाद पता नहीं फिर कोई उन्होंने कोई तलतलखी हो गई, तो वापस फिर अपने अमृतसर चले गए, घर चले गए। पर मैं कहना नवजोत सिंह सिद्धू होरां नूं भी लोगों च आना चाहिए, असीं तां हरेक नूं सदा दिंदे जिहड़ा पंजाब दा भला चाहुंदा वैलकम करांगे। मैं कहना जी
पौने 3 करोड़ पंजाबियों नूं सद्दा दिंदे आ कि आओ आपां कट्ठे हो के पंजाब ठीक करिए। आपां कोई किसी अहुदे दी जां कोई किसी शर्त ते नहीं, असीं तां अपने वल्लों तां असीं सारिआं नूं कहिंदे आ जिहड़ा पंजाब दा भला चाहुंदा है, जिहड़ा चाहुंदा है कि हाँ पंजाब नूं दुबारे पंजाब बनाउणा है, उहनां सारिआं दा चाहे ओह कोई NGO है, चाहे ओह कोई नॉन पोलिटिकल बंदा, चाहे पोलिटिकल है, असीं स्वागत करां। जिन्ने बंदे पंजाब दा भला चाहुंदे ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ। ਦ ਸਟੈਲਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।